Take off. Good morning to all of you. On the onset, I would like to thank. सबसे पहले मैं BMPA को थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं यहाँ पे आके आप लोगों से बात कर सकूँ. थैंक यू फहीम सर, थैंक यू टू द होल टीम ऑफ BMPA जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमें दिया. हमें हमेशा अच्छा लगता है कि हम लोगों से आके बात करें, हमारे थॉट शेयर करें. ऐसा नहीं है कि हम सब जानते हैं, हो सकता है कि हमें भी काफ़ी चीज़ें नहीं पता जो हम आपसे सीख सकते हैं. सो आज मैं चाहूँगा कि जो हम आज बात करेंगे, प्रेजेंटेशन तो एक बहाना है आपसे बात करने का, मैं ये चाहूँगा ज़रूर कि आप भी मेरे से इंटरेक्ट करें. बिकॉज मैं से बात करते जाऊँगा तो पता चला वो जो पीछे जो आदमी बैठा है वो पूरा सो रहा है और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना. हेलो, गुड, ओके. सो मैं ये नहीं चाहता कि ऐसा हो. सो प्लीज़ आई हैव अ लाउड इनफ वॉइस टू कीप यू अवेक. मेरा बहुत बड़ा आवाज़ है. जैसे मैंने कहा मुझे एक्चुअली ये माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट उन्होंने कहा कि वो रिकॉर्डिंग करे तो आपको पहनना पड़ेगा. सो आई विल यूज़ इट. सो माई वॉइस बिकम्स और भी बड़ा हो जाता है मेरा आवाज़. सो मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा कि आपको इसमें इन्वॉल्व करूँ. मैं ये बहुत बहुत ही बेसिक के बारे में बात करूँगा मैं आज. शायद कुछ लोगों के लिए आपको शायद महसूस होगा कि यार ये तो हम जानते हैं, पर शायद काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको शायद ये नहीं पता होगा बेसिक्स. तो जैसे फहीम सर ने बताया, मैं बहुत ही बेसिक से शुरू करूंगा. व्हाट इज कलर? कलर क्या है? आप कलर को कैसे देखते हैं? कलर कैसे इवॉल्व हुआ? जो जिस तरह से आज हम कलर को मेजर करते हैं, कलर को जिस तरह से हम समझते हैं, कैसे पहुंचे हम लोग यहां तक, कौन से बेसिक थियोरीज आए थे. मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, वेरी बेसिक. कौन से थियोरीज आए थे जिसकी वजह से आज हम यहां तक पहुंचे हैं कि हम कलर को एनालाइज कर सकते हैं, और इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि दुनिया भर में आज मैं बॉम्बे में बैठ के किसी भी कलर के बारे में बात करूं और एक वैल्यू कहीं भेजूं तो यूरोप में या यूएस में जो आदमी बैठा है वो कलर को विजुअलाइज कर सकते हैं कि अरे यार विष्णु ने मुझे ये कलर भेजा है. तो वहां तक कैसे पहुंचे हम लोग, और उसको करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जो डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, वो क्या होता है? जैसे फहीम सर ने बताया डेंसिटोमीटर होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे. एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स है जो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं. मैं एब्सोल्युटली रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप लोग प्लीज आगे आइए, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को देखिए. यहाँ पे मैंने तीन कलीग को और इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आपसे, ताकि आपको समझे कि आपको किन से बात करनी है. तो ये मेरे कलीग है विहांस दुगर जो आपको हेल्प करेंगे, संतोष और पराग, ये तीनों हैं मेरी टीम से. मैं खुद भी रहूंगा. आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आप आइए, इंस्ट्रूमेंट देखिए, उसको समझिए, जो आपको सवाल पूछना है पूछिए. हमें नहीं आता आंसर, हम आपको रिवर्ट करेंगे वापस. जैसे मैंने कहा शायद हमें सारी चीजें नहीं पता. आप कोई ऐसा सवाल पूछो जो मैं सोचू यार तो मैंने कभी सुना ही नहीं है यार, हो सकता है. सो टू स्टार्ट ऑन द पॉजिटिव नोट, अगेन आई वेलकम यू ऑल. थैंक्स अ लॉट फॉर आप इतने आए यहाँ पे, तो थैंक्स फॉर दैट. एंड मैं शुरू करूंगा मेरे प्रेजेंटेशन. एज अ सेट बहुत बेसिक है. कलर, मुझे नहीं लगता कि मुझे कलर की डेफिनेशन देने की जरूरत है, बिकॉज वी आर ऑल प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट. हम जो प्रिंटिंग करते हैं कलर के बिना तो हम प्रिंटिंग नहीं कर सकते. फिर वो ब्लैक हो, साइन हो, मजेंटा हो, येलो हो, ये सारे कलर होते हैं. कलर बेसिकली एक पार्ट होता है समथिंग कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. एक बहुत ह्यूज स्पेक्ट्रम होता है जिसके अंदर आप देखेंगे आपके कॉस्मिक रेस, गैमा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रडार, टेलीविजन, रेडियो, अल्ट्रासोनिक. ये सारे जो है दिस टुगेदर मेक्स अप समथिंग कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. और अगर उसमें आप देखेंगे द एरिया विच अ विजिबल रीजन जो कवर करता है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इतनी छोटी सी है.
हमारी आंखें जो कलर देखती है वो सिर्फ उसी रेंज में देखती है, और अगर आप उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, नैनोमीटर में, तो उसकी रेंज होती है 360 नैनोमीटर्स टू 750 नैनोमीटर्स। 350 नैनोमीटर के पहले आपका यूवी, एक्सरे, गामा रेज और कॉस्मिक रे आते हैं, और 750 नैनोमीटर के बाद आपके इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रडार एक्सेट्रा एक्सेट्रा आते हैं। तो हम क्या देख सकते हैं? ओनली द विजिबल रीजन जो है 350 नैनोमीटर या 360 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, बहुत ही छोटा रेंज है। हमारी आंखें क्या अल्ट्रा वायलेट लाइट देख सकती है? वी कांट। क्या हम इंफ्रारेड रेडिएशन देख सकते हैं? नो वी कांट। हु कैन सी इंफ्रारेड? कैन एनीबडी टेल मी विच मैमल कैन सी एन इंफ्रारेड लाइट? परफेक्ट। ओनली बैट्स कैन सी इन इंफ्रारेड लाइट्स, वी कांट। सो हमारा रेंज उतना ही होता है, 360 नैनोमीटर्स टू 750 नैनोमीटर्स। ये बहुत जरूरी है आपको समझना, बिकॉज हर कलर थ्योरी में आप जहां पे भी करेंगे, जहां पे भी आप काम करेंगे, इंस्ट्रूमेंट के साथ काम करेंगे, यही रीजन में आप काम करेंगे। आप इंस्ट्रूमेंट में देख सकते हैं कि कलर का क्या रेंज है। इंस्ट्रूमेंट आपको बोलता है कि आप कौन से रेंज में मेजर कर रहे हो। ओके, सो दैट्स द बिगर पार्ट ऑफ दैट स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वॉयलेट। सो कलर, इफ यू रिमेंबर इन स्कूल, टीचर ने हमें हमेशा दिखाया, एक प्रिज्म लिया है, सनलाइट के सामने रख दिया, व्हाइट पेपर रख दिया, एंड द लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म एंड व्हाट यू गेट इज 7 कलर, 7 कलर आपको दिख जाते हैं, सतरंगी जिसको बोलते हैं हम लोग। सतरंगी बेसिकली इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसको हम लोग विबज्योर, विबग्योर, जो भी आप जिस तरह से उसको प्रोनाउंस करना चाहते हो, दिस इज नथिंग बट दिस। अब आप शायद यहां पे देखेंगे 400 टू 700 नैनोमीटर लिखा हुआ है। प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं वो नॉर्मली इस रेंज में अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं फॉर द मेजरमेंट सेक, बट एक्चुअल जो विजिबल रीजन होता है वो 360 से 750 नैनोमीटर होता है। परफेक्ट। नाउ अंडरस्टैंडिंग द स्पेक्ट्रम, हमें यह समझना जरूरी है कि हमारी आंखें कलर को कैसे देखती है। कलर को देखने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत है, एब्सोल्यूट तीन चीजों की जरूरत है, आइस, लाइट एंड सबस्ट्रेट। परफेक्ट। रॉन्ग टू से, बट इफ यू डोंट हैव एन, इफ यू आर ब्लाइंड, कैन यू सी कलर? यू कांट। ठीक है, आप अंधेरे रूम में जाइए, 10 कलर सैंपल रखिए, क्या आप कलर को देख पाएंगे? नहीं है। एम्प्टी रूम है, एयर, कैन यू सी एयर कलर? नहीं देख सकते। सो यू नीड, डिफॉल्ट आपको चाहिए ये तीन चीजें हैं, लाइट सोर्स, स्टार्ट विथ योर आई, लाइट सोर्स एंड द सबस्ट्रेट। इसमें से कोई भी एक चीज मिसिंग होता है, आप कलर को नहीं विजुअलाइज कर सकते। वेरी क्लियर, परफेक्ट, गुड। अब बहुत सारे साइंटिस्टों ने सोचा, बॉस यार ये कलर हम देखते कैसे हैं? इसका कोई तो फंडामेंटल होना चाहिए। जैसे साइंटिस्ट होते हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि कुछ नया ढूंढ निकाले हम। तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ चीजें सोची कि यार हम कलर को कैसे देखते हैं, हाउ डू वी सी कलर, कैसे हम कलर को इंटरप्रेट करते कि यार ये रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये पिंक है, ये पर्पल है, ये वॉयलेट है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, कैसे देखते हैं हम लोग कलर को? तो काफी सारे थ्योरीज आए। सो द फर्स्ट थ्योरी विच केम अप, फर्स्ट थ्योरी वॉज बेसिकली अ मुंसेल, आई हैव नॉट इंक्लूडेड दैट ओवर हियर, वी विल कम टू द वन, हम लोग उस थ्योरी पे आते हैं जिससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये थ्योरी का नाम था बेसिकली ट्राई क्रोमैटिक थ्योरी ऑफ कलर विजन, ट्राई क्रोमैटिक थ्योरी ऑफ कलर विजन। उन्होंने सिंपल फंडा निकाला, जो साइंटिस्ट था वो बोले कि भाई हम जो कलर देखते हैं वो होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, हमारी आंखें वो कलर को देखती है, एंड देन वो कलर जो है हमारा ब्रेन वापस आरजीबी में उसको कन्वर्ट करके इमेज को देखता है।
बहुत सिंपल ही है, बट ये थ्योरी बन गई थी उस टाइम पे कि आरजीबी हमने देखा और हमारा ब्रेन भी उसको आरजीबी में ही इंटरप्रेट करता है और हमारी आंखें उसको बोलती है भाई ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है. वेरी सिंपल थ्योरी. बट सोचो उस टाइम पे ये बहुत बड़ी थ्योरी थी कि कलर को कैसे देख रहे हम लोग. ठीक है, उसके बाद देयर वाज वन मोर साइंटिस्ट व्हिच केम अप एंड सेड नहीं यार ये ऐसा नहीं है, ये थोड़ा अलग होना चाहिए. ठीक है, अब ही केम आउट विद अ थ्योरी कॉल्ड एज ओपोनेंट कलर थ्योरी. ओपोनेंट कलर थ्योरी, उन्होंने क्या बोला, हां बात तो सही है कि जो कलर जो हम देखते हैं वो आरजीबी है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट्स परफेक्ट. बट उनका कहना था कि जब वो ब्रेन में जाता है इट गेट्स डिवाइडेड इंटू चैनल्स. उनका कहना था कि जो रेज जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है जब हमारे ब्रेन में जाती है या जाने के पहले इट गेट्स डिवाइडेड इंटू पार्ट्स, येलो ब्लू, ब्लैक व्हाइट, रेड ग्रीन. दिस वॉज द थियोरी दैट ही पुट फॉरवर्ड. वो बोले कि आरजीबी आके आरजीबी नहीं देखते हम लोग, कुछ अलग होता है ब्रेन के अंदर. और वो होता क्या, देन इट गेट्स कन्वर्टेड टू अ थियोरी विच इज इवन आज भी वो वैलिड है. आप अगली स्लाइड में उसको देखोगे दैट इट इज रेड ग्रीन येलो ब्लू लाइट डार्क. और ये थियोरी बहुत चली बिकॉज इसमें काफी लोगों को दिखा यार ये बहुत सही लग रहा है हमें. ठीक है, सो दिस वॉज कॉल्ड द ओपोनेंट कलर थियोरी. सो दैट्स योर रेटिना. ओके, नाउ हम कलर को क्यों देख पाते हैं, एनी आइडिया, कोई गेस कर सकता है, कैन एनीबडी गेस कि हम कलर को क्यों देख पाते हैं, एनी आइडिया. हमारे आंखों में कुछ होता है जो कलर को इंटरप्रेट करता है या ब्रेन में कुछ होता है जो इंटरप्रेट करता है, एनी आइडिया किसी को, वाइल्डेस्ट गेस, रॉन्ग है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है. कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना अंदर आंखों में, पक्का ना, जैसे आप ग्लासेस पहनते हो योर विजन बिकम्स बेटर ना व्हेन यू वेयर ग्लासेस, देयर इज समथिंग इन बिटवीन. सॉरी, रॉड्स एंड कोन्स, यस. व्हाट वी हैव इन आवर आई बिफोर द ब्रेन इज समथिंग कॉल्ड एज रॉड्स एंड कोन्स. और ये जो होते हैं ये दे आर प्रेजेंट इन मिलियंस, मिलियंस कोन्स. लुक एट कलर, कोन्स लुक एट कलर. तो ये जो हमने ये थ्योरी जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ब्लू सेंसिटिव कोन्स, ग्रीन सेंसिटिव कोन्स एंड रेड सेंसिटिव कोन्स, तीन टाइप के कोन होते हैं यहां पे. तो जब लाइट आता है इन कोन्स के ऊपर वो लाइट फ्लैश हो जाता है और वो कोन्स फर्दर जैसे मैंने कहा ब्रेन में जाने के पहले ये डिवाइड हो जाते हैं इन चैनलों में. एनी आइडिया रॉड्स क्या करते हैं? परफेक्ट. रॉड्स आर बेसिकली फॉर विजन इन डार्क. फॉर एग्जाम्पल आप मार्क कीजिए, या शायद आपने हमेशा मार्क किया होगा, आप जब भी एक डार्क रूम में इमिडिएटली एंटर करते हो यू आर लाइक ब्लाइंड, कंप्लीटली ब्लाइंड, कुछ नहीं दिख रहा आपको. जस्ट वेट फॉर अ मिनट और आपको सारी चीजें थोड़ी थोड़ी दिखने चालू हो जाती है. कभी महसूस किया आपने ये बात? अगर नहीं किया होगा अगली बार जरूर कीजिएगा, पर हिलेगा मत, कहीं माना कहीं गिर जाएंगे सामने कुछ होगा तो. ठीक है, सो रॉड्स बेसिकली लुक एट इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ठीक है, एंड दैट इज व्हाट गिव्स यू नाइट विजन और विजन इन डार्क. सो इसलिए रॉड्स एंड कोन्स का दोनों होना बहुत जरूरी है. कोई भी एक मिसिंग होगा तो ऑब्वियसली, अगर कोन्स मिसिंग होगा तो आप कलर ब्लाइंड कहलाओगे, अगर रॉड्स मिसिंग होगा तो आपका नाइट विजन विल बी जीरो, आप कुछ नहीं देख पाएंगे रात को, जैसे ही अंधेरा हो गया यू आर ब्लाइंड. क्लियर, परफेक्ट. नाउ
बोथ दी थ्योरी नंबर टू एंड थ्योरी नंबर थ्री वे पुट टूगेदर, दोनों को कंबाइन कर दिया और वॉट केम इज दिस इमेज आरजीबी आई सीज इट रॉड्स एंड कॉन्स विल ब्रेक अप, जो कलर है उसको डिवाइड करेगा ब्लू येलो ब्लैक व्हाइट रेड ग्रीन ग्रीन रेड दैट, ये थ्योरी जो है वो आज भी इस्तेमाल होती है, आज भी यूज होती है एंड इट इज स्टिल वैलिड टुडे। सो पहला आप देखेंगे ओपोनेंट कलर टू आरजीबी आरजीबी, फिर थ्री ने बोला नहीं यार वो आरजीबी होगा बट वो रॉड्स एंड कॉन्स आके वो डिवाइड हो जाते हैं, तो लोगों ने क्या सोचा इसको कंबाइन कर देते हैं और दिस इज व्हाट केम अप। सो दिस इज द फाइनल थ्योरी विच इवन होल्ड्स गुड टुडे, आज भी ये थ्योरी चलती है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल? परफेक्ट, गुड। अब जैसे मैंने कहा अगर रॉड्स और कॉन्स में से कोई भी चीज एब्सेंट हो तो यू मिस समथिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम रॉड्स की कमी नहीं होती आंखों में, बट काफी लोगों में कॉन्स की कमी जरूर होती है जिसके वजह से वो कलर ब्लाइंड हो जाते हैं। एक सवाल आपसे, आप किसी को जानते हो जो कलर ब्लाइंड है? डू यू नो एनीबडी हुज कलर ब्लाइंड? यू नो यू आर कलर ब्लाइंड, वाओ, अप्रिशिएटेड दैट यू स्टैंड अप एंड से दैट, वेरी गुड। एंड इट्स रॉन्ग टू क्लैप बट देन द गुड पार्ट इज ब्रेव इनफ टू से दैट। सो कलर ब्लाइंडनेस होता है लोगों में, इट्स नॉट वेरी कॉमन बट होता है लोगों में। कलर इंडस्ट्री में जब आप रहते हो, जब आप रोज कलर से खेलते हैं, आपके लिए कलर ब्लाइंडनेस और या फिर कलर विजन टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज यू कैन रियली क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द कंपनी दैट यू आर वर्किंग फॉर। वेरी सिंपल ना, फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने दिया एक ब्लू कलर मैच करने के लिए, ठीक है, और अब ब्लू येलो कलर ब्लाइंड है तो क्या करेंगे आप? हाउ विल यू मैच दैट कलर? आप कर ही नहीं पाएंगे उसको। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप अगर चैनल देखेंगे, चैनल बोलता है ब्लू और येलो एक जोड़ी है, आपने देखा था वो लास्ट, आई गो बैक, ब्लू येलो एक जोड़ी है, रेड ग्रीन एक जोड़ी है, व्हाट डज दिस से? एनी गेस? Will be able to or will not be able to? Exactly. In short, अगर कोई बोलता है कि मुझे ब्लू नहीं दिखता तो यू कैन गारंटी दैट उसको येलो भी नहीं दिखता, बिकॉज ही कैनॉट बी ब्लू कलर ब्लाइंड, ही हैज टू बी येलो ब्लू कलर ब्लाइंड। आई मीन ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसको ब्लू नहीं दिखता और येलो दिखता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज जो कॉन्स होते हैं वो ब्लू सेंसिटिव कोन से अगर ये लाइट पास हो रहा है, अगर ब्लू सेंसिटिव कोन ही नहीं है तो येलो क्या देखेगा और ब्लू क्या देखेगा, वो दोनों नहीं देख सकता। जैसे रेड और ग्रीन है, अगर वो ग्रीन कलर ब्लाइंड है तो वो रेड कलर भी नहीं देख सकता। इट इज अ कपल, इट इज अ ग्रुप, इट इज अ सेट। और ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, क्या वो एम्प्लॉई जो कलर में काम करने वाला है, क्या उसमें कलर डेफिशिएंसी है, कलर विजन में प्रॉब्लम है, क्या वो कलर ब्लाइंड है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। काफी सारे टेस्ट होते हैं इंडस्ट्री में जो कलर ब्लाइंडनेस को टेस्ट करते हैं। अगर आप किसी आपके ऑप्थोमोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, दे समटाइम्स कॉमनली यूज समथिंग कॉल्ड एज The Devorin book of pseudochromatic plates, ये होता है उनके पास, वो कलर ब्लाइंड का टेस्ट करते हैं, बट इससे ये साबित नहीं होता कि आप कलर ब्लाइंड नहीं है।
और काफी सारे टेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सेकेंड नंबर फांसवत मुंसेल 100 यू टेस्ट, मेरे हिसाब से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट अवेलेबल इन द इंडस्ट्री टुडे, जिसके ऊपर से आप 100% बोल सकते हो कि ये बंदा कलर देख सकता है या ये बंदा कलर नहीं देख सकता और कौन से रेंज में नहीं देख सकता। जस्ट टू गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ डोंट टॉक, यहां पे सोचो, आपको कुछ नंबर दिख रहा है इसके ऊपर? पक्का सबको दिख रहा है कि वो बोल रहा है, बोल के आप भी बोल रहे हो? नहीं ना, सबको दिख रहा है नंबर? सर आपको दिख रहा है नंबर? गुड, क्या नंबर है? 32। सबको 32 दिख रहा है? सो आप कलर ब्लाइंड नहीं है। सो एग्जाम्पल, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द सूडो क्रोमैटिक प्लेट, द डिवोरिन सूडो क्रोमैटिक प्लेट। ऐसे आई थिंक 34 या 36 प्लेट्स होते हैं, ट्रस्ट मी इट्स डिफिकल्ट, एटलीस्ट देर आर 2 to 3 प्लेट दैट आई कांट सी। आप समझ नहीं पाते क्या नंबर है उसके अंदर, बट है, इट्स अ प्रीटी गुड टेस्ट। कोई आपका ऑप्थोलॉजिस्ट होंगे अच्छे वाले, आप उनको पूछेंगे ना तो ये टेस्ट आपको पक्का मिलेगा उनके पास, बिकॉज 99% उनके पास टेस्ट होता है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा ये, जस्ट फॉर फन ऑफ इट। इनफैक्ट किरण सर के पास है ना ये टेस्ट, मैंने शायद किया ही है। किरण प्रयागी, आप शायद काफी लोग जानते हैं, उनके पास भी ये टेस्ट, आई थिंक ही इज अ विजिटिंग फैकल्टी हियर आल्सो इन द कॉलेज, उनके पास ये टेस्ट होता है, तो आप कभी चाहते हो तो उनको आप जरूर पूछेगा। ओके, नाउ बेसिक्स होने के बाद आप समझे व्हाट इज कलर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कलर को कैसे देखा जाता है, कलर का फाइनल ओपोनेंट थ्योरी क्या था, वहां से भी टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। अब कलर को इंटरप्रेट कैसे करें? अब चैनल में डिवाइड तो कर दिया उसको, अब ब्रेन उसको इंटरप्रेट तो कर रहा है कलर को, बट फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं ये शर्ट पहना है मैंने, इफ आई आस्क द मैडम ओवर हियर इन ब्लैक व्हाट इज दिस कलर, ब्लू, परफेक्ट ब्लू, उन्होंने बोला तो इन्होंने भी ब्लू बोल दिया, ठीक है। लास्ट या क्या कलर है सर? पक्का दिख रहा है आपको वहां से? परफेक्ट, आउट देयर विच कलर? ब्लू। अरे सबको ब्लू दिख रहा है क्या? क्या बात कर रहे हो? हु सेड लाइट ब्लू? परफेक्ट, लाइट ब्लू, वन डिफरेंट आंसर है, ये कॉपी नहीं करेगा एग्जाम में पक्का। एनीबडी एल्स? स्काई ब्लू। एनीबडी एल्स? सॉरी, ओ वाओ, फैंटास्टिक। एनीबडी एल्स? मेरे को ओपेक कहां से दिख रहे हैं ये? एनीबडी एल्स? मोर, सो मेनी शेड्स ऑफ ब्लू, आपको सिर्फ स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, ओपेक ब्लू, ब्लू यही दिख रहा है? साइनिश ब्लू, वाओ, व्हाट एन आंसर। और कुछ? बस, दैट्स इट, वाओ, सुपर, क्या जवाब दिया है? मेरे को लगा था मिरर पहन के आना पड़ेगा मेरे को बोल के, बट यस यू आर राइट। व्हेन आई आस्क्ड अ क्लास ऑफ 50 पीपल टू टेल मी कि ये कौन सा ब्लू है, 10 लोगों ने, आई थिंक ऑल आर स्टूडेंट्स, जिन्होंने बोला ब्लू, दैट इंडिकेट्स वो पक्का कॉपी करते एग्जाम में, और जिन्होंने दूसरा आंसर दिया दैट इंडिकेट्स दैट उनको कुछ अलग दिखा कलर में। अब इसमें से हु इज राइट, इज रिफ्लेक्टिव ब्लू राइट और इज ब्लू राइट और ओपेक ब्लू लाइट राइट और स्काई ब्लू राइट, व्हाट इज द राइट आंसर? कैन एनीबडी टेल मी क्या सही जवाब है इस चीज का? इधर आ जा मेरे भाई, आ जा, ये कॉपी करते हैं मेरे को। क्या पहना इसने? लाइट ब्लू। अरे अच्छा, अभी मेरे को ब्लू बोला आपने, इसको लाइट ब्लू क्यों? नहीं, इसमें भी कोई अलग आंसर होना चाहिए ना। एनी अदर आंसर? आप कुछ अलग ही आंसर देते, आप बोलिए। एनी अदर आंसर?
बस बोथ आर ब्लू. क्या डिफरेंस है दोनों में? शेड का डिफरेंस है, राइट? नाउ द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर, थैंक्स फ्रेंड्स, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक ओवर हियर इज दैट अगर आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट, आप एक केमिस्ट है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट है, जो भी आप क्यूसी देखते हैं, आपके पास एक कलर आता है, इसको अप्रूव करो, इसको पास करो, जो भी है, और आप बोलते हो सर ये कलर ब्लू है, सिंपल, आप आंखों से कलर को देख रहे हो, सर ये स्टैंडर्ड है, ये सैंपल है, दोनों में सर सर पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने साइन कर दिया. अब ये शीट जाता है आपके बॉस के पास, ठीक है, बॉस शेड को देखता है, अपने रूम में बैठा हुआ है, यहां से एक लाइट आया है, कोई येलो लाइट, कोई पीछे से सनलाइट आ रहा है, कोई ट्यूबलाइट आ रहा है, ठीक है, और रूम में बैठे अपने एसी रूम में, आप भाग दौड़ा करके सर ये अप्रूवल के लिए आया, मैंने अप्रूव कर दिया शेड को, ठीक है, ये तो कहां अप्रूव हो रहा है, ये देखो ये तो ज्यादा ब्लू दिख रहा है, ये तो ग्रीनिश दिख रहा है, कैसे अप्रूव कर दिया आपने? आप क्या बोलोगे? आप बॉस को बोलोगे? पक्का बोलोगे? तेरी नौकरी तो गई पक्का. द पॉइंट इज दैट क्या आप आपके बॉस को बोल सकते हो सर आप गलत हैं? आप बोल सकते हो? किसी में हिम्मत है? अब मुझे 15 साल हो गए कंपनी, मैंने आज तक नहीं बोल पाया मैं मेरे बॉस को कि आप गलत हो. इट्स इंपॉसिबल, यू कैन नॉट, डिपेंडिंग अपॉन रिलेशन यू मे स्टिल ट्राई टू पुट इन अ डिफरेंट वे, सर देखिए सर थोड़ा, शायद मेरे को तो सर पास है, पर उसने अगर पकड़ के बैठ गया कि ये फेल है, क्या करोगे आप? सो हुज राइट? द बॉस इज ऑलवेज राइट. आप वापस जाओगे, कुछ वापस करोगे, आपको लगता है यार क्या पागल है यार, कितना मस्त मैच हो रहा है यार, तो भी बॉस बोलता है फेल है बोल के. वेरी कॉमन, वेरी कॉमन. वी गो टू एवरी कंपनी एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी गेट टू हियर. हमें यही सुनने मिलता है सर देखो ये कलर पास है, पर वो जो बंदा आया है अप्रूव करने के लिए उसको ये गलत लगता है सर. नोबडी कैन प्रूव दैट यू आर राइट और यू आर रॉन्ग. आपका कस्टमर या आपका बॉस हमेशा सही होता है. आपका कस्टमर या आपका बॉस हमेशा सही होता है. एंड इसमें काफी सारी दिक्कतें आती है इसके वजह से. अब इसको सॉर्ट आउट कैसे करें, ये प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकले, दैट्स द रीजन व्हाई देयर वाज अ कमिटी कॉल्ड एज सी आई ई. आई मे रीड इट रॉन्ग बिकॉज इट्स अ फ्रेंच वर्ड, बट इट मीन्स कमीशन इंटरनेशनल डी एक्लेरेज. मे बी अ फ्रेंच पर्सन वुड रीड इट मोर बेटर. ये कमीशन एक ग्रुप था, एक सेट ऑफ पीपल थे जिन्होंने ये कमीशन चालू किया और उन्हें बहुत स्टडी किया कलर को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, ताकि कहीं पे भी दुनिया में अगर कोई कलर को मेजर करता है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मेजरमेंट नॉट विजुअल असेसमेंट. डिफरेंस है दोनों में, विजुअल असेसमेंट एंड मेजरमेंट. ओके, तो दुनिया में अगर कहीं भी कोई भी कलर को मेजर करता है तो कुछ पैरामीटर्स कॉमन होने चाहिए. वेरी सिंपल, राइट? अगर मैंने एक स्टैंडर्ड लिया, एक सैंपल लिया, यहां पे खड़ा हूं मैं, मेरे ऊपर ये ट्यूबलाइट है, मैंने यहां पे उसको अप्रूव कर दिया, हो गया अप्रूव, बॉस भी यहां बोल दिया, मैंने भी यहां बोल दिया, बाहर ने भी यहां बोल दिया, यहां वाले. अब वो मटेरियल जाता है यूके, ठीक है, अब वहां पे वो सेम विजुअल असेसमेंट कर रहा है उसी स्टैंडर्ड सैंपल का, उसकी लाइटिंग कंडीशन क्या ये सेम होगी? हो सकती है, होगी, प्रोबेबिलिटी 10%, परफेक्ट. उसकी आंखें क्या आप जैसा कलर देखेगी? हो सकती है, प्रोबेबिलिटी 10%, ठीक है. अब वो मटेरियल पास होगा नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी 50%, हो सकता है, क्यों नहीं, पर 50% चांस है कि वो फेल होगा, बिकॉज उसके कंडीशंस अलग है, उसका ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्वर है वो अलग है,
जो इल्यूमिनेंट है, इल्यूमिनेंट, दिस इज इल्यूमिनेंट, वो अलग है. व्हाट सीआईई डिड, बोला ये गलत है. ये अगर हमको मेजरमेंट करना है तो कुछ चीजों को मुझे स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा. कुछ चीजें स्टैंडर्ड नहीं हो सकती, उसको मैं नहीं कर सकता. जैसे सबस्ट्रेट और द कलर, क्या हम उसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं? यार हर आदमी का कलर अलग होता है, उसको स्टैंडर्डाइज में नहीं कर सकता. पर क्या मैं ऑब्जर्वर को स्टैंडर्डाइज कर सकता हूं? बहुत स्टडी के बाद उन्होंने सोचा कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन पर्सन, इंस्ट्रूमेंट के अंदर. क्या हम लाइट सोर्स को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं? बहुत स्टडी के बाद उन्होंने सोचा यार कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं. एंड दैट्स हाउ द होल फंडामेंटल ऑफ कलर मेजरमेंट केम इन टू पिक्चर. क्लियर यहां तक? वेरी सिंपल, गुड. अब आपने एक चीज काफी ऑब्जर्व किया होगा कि अलग अलग इल्यूमिनेंट्स. नाउ आई स्टार्ट यूजिंग द वर्ड इल्यूमिनेंट्स इंस्टेड ऑफ लाइट सोर्सेस. ठीक है, इल्यूमिनेंट्स. अलग अलग इल्यूमिनेंट के जो कलर होता है उसका, वो अलग होता है. कोई इल्यूमिनेंट आपको ब्लू दिखते हैं थोड़े, कोई इल्यूमिनेंट येलोइश दिखते हैं आपको, कोई ऐसे कूल दिखते हैं आपको एकदम. हर इल्यूमिनेंट का एक टेम्परेचर होता है, हर इल्यूमिनेंट का एक टेम्परेचर होता है, विच इज कॉल्ड द इल्यूमिनेंट टेम्परेचर और द कलर टेम्परेचर ऑफ द इल्यूमिनेंट. कलर टेम्परेचर ऑफ द इल्यूमिनेंट विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इल्यूमिनेंट. सिंपल फंडा, इन्हें टैग डाल दिया हो लैम्प के ऊपर कि भाई ये लैम्प का जो कलर टेम्परेचर है वो एक्स है. फॉर एग्जाम्पल, आप ए इल्यूमिनेंट इज नथिंग बट टंगस्टन हैलोजन बल्ब, जो घर पे पहले लगाते थे टॉयलेट में, हाथ लगाया कि जल गया हाथ, वेरी हॉट, राइट. ए दैट इल्यूमिनेंट इज कॉल्ड एज ए इल्यूमिनेंट, ए टंगस्टन हैलोजन बल्ब. आप उसका वेवलेंथ देखेंगे और उसका कलर टेम्परेचर देखेंगे, इज अबाउट 2800 डिग्री केल्विन, 2800 डिग्री केल्विन, ओके. और अगर आप TL84 देखो या फिर कूल व्हाइट फ्लोरोसेंट, ये जो ट्यूबलाइट होते हैं नॉर्मली दे आर TL84. आप अगर ट्यूबलाइट में नजदीक से देखेंगे तो उसमें D65 लिखा आता है, पर वो कभी भी D65 नहीं होता, कहीं उसके नजदीक ही नहीं होता, वो गलत है. एक्चुअली अगर आप उसको मेजर करेंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो आप इसके अगर नीचे रखो, इट मेजर्स कि ये लाइट का कलर टेम्परेचर क्या है. तो इसका प्रोबेबली आप देखेंगे विल कम समवेयर इन द रेंज ऑफ अबाउट 4200-4300 डिग्री केल्विन. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट, अ टंगस्टन हैलोजन बल्ब आप देखेंगे और ये लैंप में देखेंगे, डिफरेंस है, कलर इज डिफरेंट, दैट येलोअर दिखता है ज्यादा, ये ब्लूअर दिखता है ज्यादा कंपेयर टू दैट. आप ये गर्म ट्यूबलाइट को हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ जलेगा? शायद नहीं. इट्स प्रीटी कूल. क्या आप गर्म बल्ब को हाथ लगा सकते हो? यू डेयर नॉट, डोंट इवन ट्राई इट. व्हाट इट इंडिकेट्स इज दैट जैसे आपका कलर टेम्परेचर बढ़ते जाता है, योर लाइट बिकम्स मोर कूलर 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 एंड कूलर. फॉर एग्जाम्पल, क्लीन ब्राइट स्काई, ब्लू स्काई का अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर होता है 15,000 से 20,000 डिग्री केल्विन. दैट्स रीजन व्हेन यू फ्लाई आउटसाइड टेम्परेचर इज -15, -20, -30 डिग्री सेल्सियस. तो जैसे कलर टेम्परेचर बढ़ते जाता है, द लाइट बिकम्स मोर कूलर एंड मोर ब्लूअर, कूलर एंड मोर ब्लूअर. गेटिंग टू डीप इनटू इट, बट इस तरह से सीआई ने इल्यूमिनेंट को डिफाइन कर दिया कि भाई अगर आप इंस्ट्रूमेंट के अंदर इल्यूमिनेंट ए में मेजर करना चाहते हैं तो यह कंडीशन होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट के अंदर. ठीक है, अगर आप D65 इज नेचुरल डेलाइट,
नॉर्मल नेचुरल डेलाइट 6500 डिग्री केल्विन में मेजर करना चाहते हो, तो वो जो लैंप होता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर, दैट हैज टू कम टू द लेवल दैट इट कैन मेजर 6500 डिग्री केल्विन. लैंप को स्टैंडर्डाइज कर दिया इन्होंने. दैट्स ओके. देन दे स्टैंडर्डाइज द नेक्स्ट पार्ट इज ऑब्जर्वर, द पर्सन सीइंग द कलर. वेरी डिफिकल्ट टास्क. आई मीन हाउ कैन यू, आप एक ऑब्जर्वर को कैसे स्टैंडर्ड कर सकते हैं यार, करोड़ ऑफ पीपल नहीं कर सकते. बट कुछ टेक्निक था उनका, दे केम आउट विद समथिंग कॉल्ड एज अ 2 डिग्री ऑब्जर्वर एंड अ 10 डिग्री ऑब्जर्वर कंडीशन. जो टेस्ट किया उन्होंने, उनको पता चला कि जितने भी कलर एग्जिस्टिंग हो सकते हैं, ये 2 डिग्री ऑब्जर्वर में और 10 डिग्री ऑब्जर्वर में आप देख सकते हैं. दे डिड सम टेस्ट. द टेस्ट वॉज समथिंग लाइक दिस. There was a kind of a cardboard with a slit, small, छोटा सा एक होल. उस होल से जब आप कलर को देखते हैं, बीच में एक ब्लैक पार्टीशन है एंड वन साइड there is a test lamp, एक randomly एक lamp उठा लिया इन्होंने, और दूसरे साइड पे are 3 lamps, red, green and blue. अब the observer had to tell the person on this side कितना वो lamp को change करना है, या उसका redness, greenness और blueness change करना है, ताकि वो color, ये color और ये color match हो. And it's very difficult. I'm sure ये बहुत साल लगे उनको ये test खत्म करने में. एक एक color का इन्होंने ये test किया. और कैसे किया, कि ये जो एंगल यहां पे जो बनता है, ये एंगल, दिस एंगल इज 2 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री. एंड दैट्स हाउ दे डिसाइडेड दैट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स विच वुड कम इनटू एग्जिस्टेंस, उनमें एक फीचर रहेगा ऑब्जर्वर एंगल. यू हैव टू चूज, वो 2 डिग्री आपको यूज करना है या 10 डिग्री यूज करना है. क्यों, किस लिए, नो क्वेश्चंस. इट्स डिफॉल्ट, इट्स थंब रूल. उसके बिना आप कलर को मेजर ही नहीं कर सकते. आपका मेजरमेंट खत्म ही नहीं होता जब तक आप 2 डिग्री या 10 डिग्री ऑब्जर्वर को यूज नहीं करते. बिग टेस्ट एंड दे स्टैंडर्डाइज्ड द ऑब्जर्वर. तो आप समझ सकते हो कि 2 डिग्री में देखेंगे तो इतना छोटा डॉट होता है वो, 10 डिग्री में देखेंगे तो दिस इज हाउ द विजन इज, गेट्स वेरी वाइड, वेरी नैरो. द फर्स्ट वे दैट सीआई केम आउट विथ, द फर्स्ट वे, ये सारे टेस्ट होने के बाद दे सेड दैट अभी हमने टेस्ट तो कर लिए, अब आगे क्या, अब इसको कैलकुलेट कैसे करें हम लोग. So they came out with 3 values called as x, y, z. वो क्या है आप छोड़ दीजिए उसको, x, y, z. उन्होंने एक सिंपल फंडा निकाला, x, y, z ऑफ स्टैंडर्ड. अगर x, y, z ऑफ सैंपल से मिलता है तो 2 शेड मैच हो गए. ठीक है, अगर x, y, z इज 19, 20, 21 और x, y, z ऑफ सैंपल इज 19.1, 20.1, 21.1, 2 कलर मैच हो गए. द फर्स्ट वे उन्होंने कलर को नंबर में कन्वर्ट किया. ठीक है, अब ये थियरी काफी टाइम तक चली, पर इसमें काफी सारे लिमिटेशंस थे. आई विल नॉट टॉक अबाउट द लिमिटेशन पार्ट, बट काफी सारे लिमिटेशन थे जो सीआई को समझा कि यार ये गलत हो रहा है कुछ. तो उन्होंने क्या किया, दे फर्दर वेंट एंड डेवलप्ड द मोस्ट कॉमनली यूज कलर थियोरी, जो आज भी वही है, विच इज नथिंग बट एल ए बी सी एन एच, एल ए बी सी एंड एच. नाउ दिस कलर थियोरी आज भी हम इस्तेमाल करते हैं
दुनिया भर में इस्तेमाल करते हैं, बेसिक पैरामीटर्स वही होते हैं LABCH, बट उसको यूज करके फाइनल जो डेल्टा ई होता है, डेल्टा ई इज द टोटल डिफरेंस, उसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे थियोरीज आए, बट बेसिक वही रहा LABCH. कोई साइंटिस्ट ने एल स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर किया, एक डेल्टा ई निकाल लिया. किसी साइंटिस्ट ने एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करके एक डेल्टा ई निकाल दिया, बट सब लोगों ने LABCH ही यूज किया. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो ये आपका बेसिस है कलर का. आप कोई भी इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे आपको यही वैल्यू मिलेगी LABCH. नाउ लेट मी जस्ट वन सेकंड, सॉरी. ओके, सो LABCH, सो देयर आर थ्री प्लेन्स, राइट? LABCH, क्या एक सिंगल प्लेन हो सकता है वो? इट हैज टू बी थ्री एंगल्स, राइट? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. सो इट्स अ ग्लोब बेसिकली, इन शॉर्ट. मेरा क्या कहना था, मतलब है इट्स अ ग्लोब. द फंडामेंटल ऑफ LABCH इज अ ग्लोब. दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर गोइंग इनसाइड. ऐसे ये आपका एल एक्सिस हो गया, ये आपका एक्सिस जो है एक्स हो गया, और ये एक्सिस जो है यहां से यहां आपका बी हो गया. दिस वॉज द फंडामेंटल जो CI ने पुट फॉरवर्ड किया, एंड इट वॉज एन इंस्टेंट हिट, बिकॉज जो एक्स वाई जेड से जो लिमिटेशन थे मोस्ट ऑफ देम जस्ट डिसअपियर्ड. जितने लिमिटेशन थे सारे निकल गए इन्होंने, एंड दिस थ्योरी प्रूव्ड आउट टू बी अ मच बेटर थ्योरी देन एक्स वाई जेड. ठीक है, द नेक्स्ट. मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर अगर आप कभी देखेंगे आगे, आपको हमेशा इस टाइप का ग्राफ दिखेगा. एल एक्सिस जो है वो हमेशा साइड में लगा हुआ मिलेगा आपको, बिकॉज आप 3D नहीं देख सकते. सो द बेस्ट ऑप्शन इज एल को यहां पर साइड पर लगा दिया. ए एक्सिस रेड ग्रीन, बी एक्सिस येलो एंड ब्लू. क्लियर, सिंपल, डिफिकल्ट? हेलो, मॉर्निंग. हाँ, जाग रहे? सब सो रहे? सो रहे? मैंने कोई बोला सुन रहा सो रहे बोल के? कौन सो रहा है यार, वो तो एकदम कोने में आके बैठ गए पीछे. ओके, एनीवेज, सो इज दिस पार्ट क्लियर टिल हियर? इज दिस सिंपल टू अंडरस्टैंड? LABCH इज अ ग्लोब, सर्क्यूलर ग्लोब. ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. सो जेड एक्सिस इज एल, एक्स एक्सिस इज ए एंड वाई एक्सिस इज बी. क्लियर? वेरी सिंपल. नाउ नेक्स्ट लेवल, LABCH. नाउ CI ने तो LABCH तो निकाल दिया, अब वो बोले यार बट वो ओपोनेंट कलर थ्योरी 3 याद है आपको, दिखा हुआ RGB अंदर जाता है, रॉड्स एंड कोन्स. वो निकल गया क्या बाहर ऑलरेडी? नहीं ना, है ना अंदर. गेट्स डिवाइडेड इनटू 3 चैनल्स, राइट? रेड ग्रीन, लाइट डार्क, येलो ब्लू. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट CI ने वो फंडामेंटल लिया और डाल दिया उसको LABCH के अंदर. वेरी सिंपल, ऑल दीज थियरीज वेर मिक्स टूगेदर अल्टीमेटली टू कम आउट विद दिस थियरी. सो क्या किया उन्होंने? लाइट डार्क, याद है आपको लाइट डार्क देखा था हमने? लाइट डार्क, व्हाइट ब्लैक, खत्म. रेड ग्रीन, येलो ब्लू. दिस इज थंब रूल. Why, when, where, no questions. This is thumb rule. Write it down, by heart it, and keep it over here. Don't forget it. Okay? Light, dark, red, green, yellow, blue. If you remain in the printing industry for your life, this you will see every day, day in and day out, if you're into color measurement and management. Don't forget it. Isko mat bhuliyega, please.
ये आपका थंब रूल है, ये आपका बेसिक है कलर का। गुड। अब सीआई बोला यार बट एल तो एक ही वैल्यू है, अब लाइट डार्क कैसे करें उसके अंदर, या फिर ए तो एक ही है ना, अब उसमें रेड ग्रीन कैसे करें, या बी तो एक ही वैल्यू येलो ब्लू कैसे करें। सो वेरी सेंसिबली दे मेड दैट रेड, इफ द वैल्यू ऑफ ए, अगर ए की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है तो वो रेड कलर है, और ए की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो ग्रीन कलर है। यू कैन सी दैट, जब आप इंस्टीट्यूट में आएंगे तो प्लीज हमारे कलीग्स को जरूर बोलेगा ये दिखाने के लिए आपको, ठीक है ना। बी की वैल्यू जब पॉजिटिव आती है आपको इंस्ट्रूमेंट के अंदर जब मेजर करता है, वो कलर येलो में ही होना चाहिए, और अगर ब्लू की बी की वैल्यू माइनस आती है तो वो ब्लू होना चाहिए। सिंपल बेसिक फंडामेंटल। एल का क्या किया उन्होंने बहुत स्टडी करने के बाद उनको ये पता चला यार एल की जो वैल्यू होती है ना, एल की वैल्यू इवन फॉर अ व्हाइट नॉर्मली 100 के ऊपर नहीं जा रही है कोई भी व्हाइट, प्योर व्हाइट। मैं उस व्हाइट की बात कर रहा हूं जिसके अंदर ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट नहीं ऐड किया हुआ है। आप जानते हो व्हाट इज ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट, कोई जवाब दे सकता है मुझे व्हाट इज एन ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट? थोड़ा हट रहे हम लोग बट इट इज रिलेवेंट टू दिस। यस, समथिंग मोर सिंपलर, दिस इज एग्जैक्टली प्रोफेसर टाइप। ओके, जस्ट जोकिंग। एनी सिंपल डेफिनेशन, व्हाट डू यू थिंक इज ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट? यार इतना एड देखते हो आप, रोज के रोज देखते हैं यार, सुंदर सुंदर नारियां कपड़े साड़ी पहन के आती है, व्हाइट साड़ियां। व्हाट इज ओबीए, ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट? फास्ट कुछ तो हिंट। राइट, एनी अदर आंसर फ्रॉम द बैक और फ्रॉम द फ्रंट? मैडम यू सिटिंग इन द फ्रंट, यू शुड टॉक मोर। एनी आइडिया? No. Any idea? Yes, no? Perfect. Any other thought process? Quickly. Yes, no? No idea? Very simple. Optical brightening agent is an agent which is normally blue in color. Normally blue in color. Reference is when you see an ad. Ala, Ujala, drop dalte, blue color ka drop girta hai, right? Normally optical brightening agents are blue in color. They are also transparent. Not that they are only blue. अब optical brightening agent क्या करता है? They have a feature of its own that कि वो UV region में light को absorb करता है. UV region में light को absorb करता है and उसको visible region में it reflects it back. So there is no chart or as I've drawn. But normally कैसे होता है कि अगर आप normal white को measure करोगे ना तो आपका जो कर्व आता है ना वो 100 के नीचे आएगा हमेशा आपको नॉर्मल वाइट। बट द मोमेंट आपने उसमें ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट डाल दिया तो वो जो कर्व ऐसे था वो ऐसे ऊपर जाके फिर नीचे आ जाता है। उसका जो पीक होता है वो हमेशा नॉर्मली अबाउट 422 to 424 नैनोमीटर के बीच में आपको एक हम्प दिखेगा एंड देन बैक टू नॉर्मल। सो दैट इज ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट। सो उन्होंने क्या रियलाइज किया कि ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट को आप साइड में रखेंगे तो मोस्ट ऑफ द व्हाइट्स और द व्हाइटेस्ट ऑफ द व्हाइट अवेलेबल कैन नॉट गो बियॉन्ड 100। सो व्हाट दे डिड, दे कैप्ड द व्हाइट एट अ वैल्यू 100 एंड ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट क्या होगा? जीरो। सो दे सेड बॉस द बॉटम इज जीरो। And what is this part over here? 50, mid gray, you can say, mid black, mid whatever you want to term it as. Gray ho sakta hai wo color because it's a combination of black and white. To mid tone gray bol sakte hai aap usko. Is this chart very clear? I want this to be very clear before I move to the next slide. Clear? Yes. Clear? Yes. Clear? आवाज ही नहीं आ रहा है। क्लियर? गुड। सम एग्जांपल्स फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट। एल 80
L 80, 80, 100 is white, L 80. So 80 will be light, very light color. B is 0, A is 0, it's white, more or less a white color. Did you visualize it? So simple. L 50, A 0, B 0, medium gray, mid-tone gray, whatever you call it as. L 25, L 10, this is all okay. L 70, L 70, light, light, first is light. A 50, A plus 50, so it will be red. So you know that the color is light with a red tone, perfect. B, zero. So what is the color? It's a like a light red or a pink kind of color. Pink has a tone, but then light red. So you can call it as bright light red. Or for example, if I go here, L25, L25, bottom, dark, very dark color. A, zero, B, 50, B positive 50. B positive is what? Yellow. So the color is a dark yellow. Does number make a difference over here? Big difference. Now, whether you approve a sample or your boss sees it with the value, nobody is right, nobody is wrong, the values are correct. Clear? हमने क्या किया, जो आप विजुअली कलर देख रहे थे उसको हमने नंबर में कन्वर्ट कर दिया, और सीआई ने उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया और बोले भाई अभी आप नंबर में बात करो. ओके, गुड. एल ए बी वेरी क्लियर. सी, नाउ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एल ए बी, आई एम सॉरी देयर इज अ मिस्टेक ओवर हियर, बट एल ऑलवेज हैज टू बी कैपिटल एल. These terminologies are very, 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 very important. L is capital, A is small, B is small. My apologies, here the C also has to be capital. And the H is small. Clear? Don't make that mistake. Usme galti mat kijiyega. C jo hota hai, basically hota hai chroma. Chroma is the brightness of the color. हम लोग बोलते हैं यार कलर कितना ब्राइट है, दैट इंडिकेट दैट उस कलर का क्रोमा जो है वो बहुत बेटर है. अगर आप लोगों ने मारुति 800 में एक पुराना रेड हुआ करता था, डू यू रिकलेक्ट दैट रेड, वेरी डल रेड, वो बुढ़ा सा आदमी चला रहा है, वो काइंड ऑफ फीलिंग आता है उसमें. आई एम सॉरी बट नॉट जस्ट पन इंटेंडेड, बट आई सॉ दैट. सो रेड, you look at the red which is used today, hai dono mein difference, kya difference hai dono mein? This red looks more brighter, more cleaner, more vibrant, more saturated. I can say confidently that ki ye jo naya wala red hai uska chroma bahut zyada hai purane wale red se. Simple. और क्रोमा कैसे फाइंड आउट किया था या कैसे फाइंड आउट किया गया था हर कलर का? स्कूल में कभी आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट बनाया? नहीं बनाया मैडम आपने? बनाया ना आपने, ना किया इसीलिए पूछा. 100 ml वाटर, 1 ग्राम सॉल्ट मिक्स, 1 ग्राम सॉल्ट मिक्स, ऑल डाइल्यूटेड, 1 ग्राम सॉल्ट मिक्स. फिर पता चलता है कि यार थोड़ा प्रेसिपिटेशन हो रहा है, फिर पॉइंट टू डाल दिया आपने, मिक्स किया, एंड देन वो पानी कैन नॉट टेक द सॉल्ट एनी मोर, और वो सॉल्ट स्टार्ट सेटलिंग डाउन. दैट इज द सैचुरेशन लेवल ऑफ सॉल्ट इन द वॉटर. बराबर है?